हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो ब्राइटनेस ऑप्शन है तो ऑटो ब्राइटनेस ऑप्शन को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन किस तरीके से शो हो रहा है, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने एडेप्टिव ब्राइटनेस को। आप साथ में दिखते हैं, इसे इसको ऑफ जाना है, सर्च इस पर सेटिंग पे चले जाना है। यहाँ से आपको सर्च कर लेना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस को ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑटो ब्राइटनेस को ऑन कर लेंगे। ऑन करते ही जो हमारी ब्राइटनेस लेवल है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। आप दिखते हैं इस तरीके से आप इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं, और ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ ही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑटो ब्राइटनेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो सिंपल आप फ़ोन की डिस्प्ले ब्राइटनेस सेटिंग्स पे जाकर भी ऑटो ब्राइटनेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आइकन है शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन ही आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑटो ब्राइटनेस है तो ऑटो ब्राइटनेस को ऑन ऑफ कैसे करेंगे, सिंपली आप देख सकते हैं कि शो हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, बैक करना है। बैक करते ही आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस पे चले जाना है, यहाँ पर हमारी सेटिंग शो हो जाती है। तो इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं ऑटो ब्राइटनेस को इस तरीके से, और ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑटो ब्राइटनेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और साथ में मैन्युअली भी सेट करना चाहते हैं तो ब्राइटनेस को तो यहाँ से सेट कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से सेट करना चाहते हैं तो। और इस तरीके से आप इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं ब्राइटनेस लेवल को। तो इस तरीके से आप ऑटो ब्राइटनेस ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।